क्या है? जी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद के, जे के बाद के, पी क्यू, पी क्यू, टी यू, टी के बाद यू, सी के बाद, सी के आफ्टर बाद में डी एफ जी जे के पी क्यू टी यू एक्स वाई। पहला नंबर क्वेश्चन आपका, यानी वो लेटर लिखते हैं जो इन अक्षरों के जस्ट बाद आ रहे हैं, बॉक्सेस के अंदर लिखते हैं, आफ्टर यानी क्या होता है, बाद में, बाद वाले अक्षर लिखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द लेटर, लेटर राइट कर रहे हैं, दैट कम्स, कम्स यानी जो आ रहे हैं, आते हैं, जस्ट इन द मिडल, मिडल यानी बीच में, आफ्टर यानी बाद में, ऑफ द गिवन लेटर यानी जितने भी हमें लेटर्स देखे हैं उनके बीच वाला अक्षर लिखते हैं, बीच वाला लेटर। के बाद क्या है? सी, बी के बाद सी, फिर डी, एफ के बाद जी, एच, एफ, जी, एच, एल के बाद एम, एल, क्यू के बाद आर, एस, के बाद यू, वी, एक्स के बाद वाई, जेड। पहले नंबर क्वेश्चन में तो आपको बाद वाले अक्षर लिख रहे थे, बाद वाले लेटर्स लिख रहे थे, दूसरे वाले में बीच में जो अक्षर आता है, बीच में जो लेटर आता है वो लिखना था आपको, बी सी डी एफ जी एच एल एम एन क्यू आर एस ए यू वी एक्स वाई जेड। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, राइट द लेटर दैट कम्स जस्ट बिफोर, बिफोर यानी पहले, जो पहले आता है, द गिवन लेटर, यानी गिवन लेटर जो हमें दिया गया उससे पहले वाला अक्षर हमें दिया है, सी से पहले बी, सी से पहले कौन सा लेटर आता है, बी, एफ से पहले ई, एफ से पहले क्या होता है, ई, जे से पहले आई, पी से पहले Y और ये जेड।
ये अपना बेसिक लेटर्स का पोर्शन पूरा हो गया। बीच बीच में बॉक्स खाली किए गए थे, आपको उस एबीसीडी को कंप्लीट करना था। अब इन्हें राइट डाउन द मिसिंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स। हमने पिछली क्लास में सीखा होगा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, यानी बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी। इसमें देखिए बॉक्सेस खाली किए गए, कैपिटल लेटर्स में हमें अल्फाबेट को लिखना है। ए बी को इस तरीके से लिखते हैं, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के J, K, L,
सेकंड टेबल